the channel once again and welcome to our new vlog. And today is Saturday, so happy weekend to you guys. I'm sure that you guys are also enjoying your weekends. It's around 1 o'clock and abhi hum log bahar jayenge to have our lunch. And I got few products from Big Basket abhi deliver karke gaye and I was just arranging those products. नॉर्मली जो मसाले एंड सब्जी वगैरह है वो मैंने अरेंज कर दिया है. तो फ्यू प्रोडक्ट्स आई हैड ऑर्डर्ड, दोज आर द स्टोरेज बॉक्सेस. बट पता नहीं ये लोग ऐसे गंदे स्टोरेज बॉक्सेस क्यों डिलीवर करके गए. सो आई जस्ट शो यू. सो दिस वन इज अ 1.7 लीटर स्टोरेज बॉक्स एंड दीज टू आर एक्चुअली स्मॉल स्टोरेज बॉक्सेस. तो आई हैव ऑर्डर्ड दीज आइटम्स टू स्टोर फिश एंड मीट इन रेफ्रिजरेटर. तो मेरा जो नॉर्मल स्टोरेज बॉक्स है ना वो प्लास्टिक का था एंड आई डोंट वॉन्ट टू यूज प्लास्टिक एनी मोर. अगर आपने देखा होगा आई डू नॉट हैव एनी प्लास्टिक आइटम इन माई किचन. मतलब एक या दो जार ही होगा जो अभी भी है प्लास्टिक का, जो मैं रिप्लेस कर दूंगी वेरी सून. अपार्ट फ्रॉम दैट नन ऑफ माई प्लेट्स और बोल्स और जार, आई मीन माई किचन इज प्लास्टिक फ्री, दैट्स वॉट यू कैन से. सो आई जस्ट ऑर्डर दीज आइटम्स बट दीज आर वेरी डर्टी. आई शो यू, कैन यू सी? मतलब पता नहीं वाई दीज थिंग्स आर सो डर्टी. दे पिक लाइक दीज ओल्ड मेटीरियल्स. एंड और एक चीज, ये जो ऑयल बॉटल है ना, वेन इट केम इट वॉज ऑल डर्टी, फुल ऑफ डर्ट. आई डोंट नो वॉट टू से. मतलब आई हैड टू लिटरली वॉश दिस बॉटल फर्स्ट. मतलब जब मैंने बॉटल को देखा मुझे लगा ये तो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट होगा मे बी. इमीडिएटली आई चेक द एक्सपायरी डेट बट थैंकफुली एक्सपायर्ड नहीं हुआ था. सो आई मीन स्टिल फाइन. सो आई हैड टू वॉश. पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या? तो एज यू कैन सी आई हैव अ जिट हियर. या आई डोंट नो कैसे आ गया. नॉर्मली आई डोंट गेट पिंपल और जिट. अगर आता भी है बहुत स्मॉल आता है बट दिस टाइम इट्स या यू कैन सी. मे बी बिकॉज आई वॉज हैविंग फीवर एंड ऑल. तो बॉडी टेम्परेचर अगर आपका हाई होता है कभी कभी ऐसे आ जाता है. सो आई थिंक दैट्स द रीजन. कभी भी पिंपल होता था ना, द बेस्ट रेमेडी विच आई हैव विटनेस्ड इज जस्ट टू लीव इट एज इट इज. मतलब उसको कुछ भी नहीं करती थी मैं. कोई भी क्रीम, कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी मेडिसिन, आई डिडंट अप्लाई एनीथिंग एट ऑल एंड नीदर डिड आई टच. सो आपको भी अगर कोई पिंपल वगैरह कुछ आ रहा होगा ना, डोंट एवर टच इट. क्योंकि आप उसको टच करोगे ना तो वो और भी बढ़ जाएगा. सो अभी भी मैं वही कर रही हूँ. आई एम जस्ट लिविंग इट एज इट इज, इग्नोरिंग इट फॉर नाउ एंड होपफुली विद इन फ्यू डेज वो चला जाएगा, ठीक हो जाएगा. सो लेट्स सी. एंड आज मैं एक मेकअप वीडियो शूट करने वाली थी. मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली आस्क्ड मी टू शूट व्हाट काइंड ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स आई यूज. सो आई वॉज थिंकिंग टू मेक दैट वीडियो. सिंस आई एम गोइंग आउटसाइड आई वॉज थिंकिंग टू डू दैट बट विद दिस प्रॉब्लम आई डोंट थिंक मैं आज मेकअप वगैरह कुछ भी अप्लाई करूंगी बिकॉज इट विल इंक्रीज. अगर मैं इसके ऊपर मेकअप यू नो अप्लाई कर रही हूँ तो इट विल डू नथिंग बट इंक्रीज. मे बी इन नेक्स्ट ब्लॉग आई विल शो यू गाइज हाउ आई डू माई मेकअप. सो फॉर नाउ आई अरेंज दोज बॉक्सेस रियल फास्ट एंड देन वी विल गो फॉर लंच. Pronouncing it right, but it looks very nice. The ambience is also very cozy. Yeah, so we are just waiting for the food now. Okay, so this is apparently a hot mocktail. It's basically apple juice with all the whole spices, and this is very good for throat. It's actually very good.
सो वी गॉट फ्यू फर्नीचर्स, आई विल शो यू गाइज व्हेन आई रीच होम. मैं आपको दिखाऊंगी हम लोगों ने वहाँ से क्या क्या लिया है. तो जो भी लिया है, ज़रूरत के सामान ही लिया है. एंड या सो वी आर नाउ गोइंग टू होम एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू गाइज. कोई ज़रूरत का सामान नहीं है, नहीं ज़रूरत के सामान ही लिया है. अगर जरूरत के सामान नहीं होता है तो ये आदमी कभी नहीं, मतलब he doesn't agree, you know, to buy. This is gun point. This is extort. No, this is not gun point. Okay, he agreed because he knew that we, you know, really needed those furnitures. तो इसीलिए हम लोगों ने लिया है. We are back at home and we bought this carpet from Urban Ladder. So there was an Urban Ladder experience center where we went for lunch. And yeah, so we got this carpet. But the color is so soothing, guys, and I really like how it's, you know, complementing the other furniture. जैसे मेरे sofa का color भी blue है. So I didn't want to get something which is too flashy or, you know, too colorful. So I wanted to always go with a neutral color, and beige सबसे अच्छा color है to blend with all the other colors, you know, with your other furniture colors. Yeah, I'm happy how it's complementing other furnitures of this room. So now I am going to take some rest because I am not feeling good. फिर से headache हो रहा है. My cold is there actually. It's not healed totally. So I think I am just going to take some rest now. And after that, let's see what happens. I'm giving some pesticide. This is some pesticide that I got from local nursery because I found some bugs in this plant, and that bug can get spread to all the plants. I'm just spraying some pesticide here so that you know, the mealybugs cannot grow anymore. And I will actually spray this same pesticide to all my plants because I found one mealybug. So I'm not sure whether you guys are aware of mealybugs. ये छोटे छोटे white color के bugs होते हैं जो actually which can fly. They can actually spread from, you know, one plant to other plant very easily. And ये pesticide जो है ना, इसको 2:1 ratio में पानी में मिलाना पड़ता है. तो मे बी बाद में कभी मैं एक वीडियो बनाऊंगी ऑन प्लांट मेंटेनेंस एंड आई विल कवर इन डिटेल्स. हे गाइस, वेलकम टू संडे एंड इट्स रेनिंग आउटसाइड. सो जो भी आपको आवाजें आ रही होगी, दैट इज एक्चुअली रेन एंड इट्स अराउंड 7:30. तो अभी तक मैं थोड़ा रेस्ट ले रही थी. So since morning you saw I did some gardening work and also some other work, घर के जो काम होते हैं जो weekdays में time नहीं मिलता है, so I did all those things and after that I just slept for some time. अभी मैं उठ चुकी हूँ and I'm going to prepare something sweet. तो एक गुलाब जामुन mix packet है मेरे पास, so I'm thinking to make that. Because tomorrow my in-laws are visiting us, my mother-in-law, my father-in-law and also my sister-in-law, so they are visiting us. तो मैंने सोचा
यही अच्छा मौका है टू प्रिपेयर दोज गुलाब जामुन सो दैट दे कैन ऑल्सो हैव दैट. तो अभी मैं वो बनाऊंगी एंड ऑल्सो चाय बनाऊंगी. सो या दिस इज हाउ आई विल स्पेंड माई संडे इवनिंग. एंड बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है सो इट्स अ परफेक्ट टाइम टू हैव सम कड़क चाय. गॉट दिस आशीर्वाद का जो गुलाब जामुन मिक्स है एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर इट. सो फर्स्ट आई विल मेक द डो एंड देन आई विल फ्राई द गुलाब जामुन एंड उसके बाद आई विल मेक द शुगर सिरप एंड उसके बाद उसमें डीप करना है. सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. जैसे आपने देखा दिस इज व्हाट हैपनिंग राइट नाउ. गुलाब जामुन इज ऑन द मेकिंग एंड दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट. बहुत पहले आई थिंक अराउंड 1 ईयर बैक आई हैड प्रिपेयर्ड सिमिलर थिंग. तब उतना अच्छा नहीं हुआ था. अभी भी मुझे लग रहा है कि आई नीड मोर प्रैक्टिस बट या खाने लायक है बिकॉज शॉविंग ऑलरेडी टेस्टेड वन एंड उसको लग रहा है कि ये खाने लायक है. सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. फाइनली गुलाब जामुन इज रेडी. दे आर सोक्ड इन टू शुगर सिरप. ओके सो अभी मैं क्या करूँगी उसको थोड़ा वैसे ही छोड़ दूंगी एंड वेन इट इज एक्चुअली सॉफ्ट एंड रेडी फॉर ईटिंग देन मे बी मैं शॉबी को खिलाऊंगी एंड देखूंगी उसका क्या कहना है इसके बारे में. सो या दैट्स ऑल एंड आई विल ऑल्सो एंड दिस ब्लॉग हियर. सो इफ यू लाइक दिस ब्लॉग देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट और यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब सो दैट यू कैन सी मेनी मोर वीडियोज. So catch you guys in the next video and bye bye till then.